फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल मिल्क शेक, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम स्ट्रीट फूड वालों से लेकर इसे पीते हैं। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस टेस्टिंग बनता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। लेकिन पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी आपको क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और इस टेस्टिंग रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। So, गर्मियों के सीजन का ये जो रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल मिल्क शेक है, इसे हम बिना तामझाम के, मतलब बिना पाइनएप्पल क्रश, बिना एसेंस और बिना आइसक्रीम के एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। सो पाइनएप्पल का मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्रेश पाइनएप्पल लिया है और टॉप और बॉटम का जो पार्ट है इसे इस तरह से काट कर हटा देते हैं और ये बाहर वाला पूरा पार्ट हमें रिमूव करना है। तो इस तरह से अब मैं पूरा पाइनएप्पल ऊपर से छील देती हूँ गाइस। तो 4 ग्लास पाइनएप्पल जूस बनाने के लिए लगभग हमें आधा पाइनएप्पल चाहिए, या फिर आपके स्वाद के अनुसार आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। ये जो पाइनएप्पल शेक बनेगा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे कि हम स्ट्रीट फूड वालों से लेकर पीते हैं। तो अब मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। हाफ पाइनएप्पल के 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, 1/4 कप चीनी ली है और कुछ आइस के क्यूब्स लिए हैं मैंने। तो चलिए अब इन टुकड़ों को डाल देते हैं ब्लेंडिंग जार में। अब वैसे तो पाइनएप्पल का मिल्क शेक बनाना बहुत ही आसान है गाइस, लेकिन कुछ गलतियाँ हम कर देते हैं जिसकी वजह से अक्सर ये जो पाइनएप्पल मिल्क शेक है घर पर बनाने के बाद थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, इसमें कड़वापन आ जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो चलिए, चीनी मैंने डाल दी है, बर्फ के टुकड़े भी डाल दिए हैं और दूध जस्ट थोड़ा सा डाला है हमने। अभी से हमें पूरा दूध इसमें ऐड नहीं करना है। जो स्ट्रीट फूड वाले यानी जूस सेंटर वाले मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें एसेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी एसेंस का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि पाइनएप्पल में खुद का अपना एक फ्लेवर होता है तो एसेंस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, अब हमारा जो पाइनएप्पल है एकदम बढ़िया सा बारीक यानी कि ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बचा हुआ मिल्क। तो पूरा दूध अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। फिर से एक बार इसे चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जो मिल्क शेक है अच्छा सा फ्रॉदी ना बन जाए, मतलब इसमें झाग ना बन जाए, क्योंकि मिल्क शेक जो है झाग वाला पीने में बहुत ही मज़ा आता है गाइस, बहुत ही यमी और डिलीशियस लगता है। तो चलिए, अब हमारा जो मिल्क शेक है तैयार है, लेकिन अभी पीने के लिए तैयार नहीं है, इसे हमें पहले छानना है। तो एक स्ट्रेनर में मैं पूरा मिल्क शेक डाल देती हूँ और जो अनवांटेड पार्ट है इस छलनी के ऊपर रह जाएगा और जो प्योर मिल्क शेक है नीचे आ जाएगा पतीले में। अब देखिए, ये जो मिल्क शेक है बिल्कुल कड़वा ना बने इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो पाइनएप्पल है आपको बिल्कुल फ्रेश वाला यूज़ करना है। और दूसरी बात ऐसी है कि इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी ओवर ब्लेंड ना करें। तो देखिए, अनवांटेड जो पार्ट है पूरा ऊपर आ गया है ताकि इसे पीते समय मुँह में इसके रेशे वगैरह कुछ भी ना आए। और अब इसे सर्व करते हैं सर्विंग ग्लासेस में। तो लीजिए गाइस, आपका पाइनएप्पल शेक बिल्कुल तैयार है। उतना ही डिलीशियस, उतना ही टेस्टी टेम्पटिंग बनता है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।